देश में इस बार मॉनसून की बेरुखी के कारण खरीफ फसलों की खेती पर प्रभाव पड़ा है। खासकर धान की खेती पर इसका व्यापक असर पड़ा है। धान भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल है। देश में उपजने वाले धान में से 80% का उत्पादन खरीफ सीजन में होता है। ऐसे में अगर मॉनसून में हेरफेर होता है तो इसका सीधा असर सबसे अधिक धान की खेती पर पड़ता है। बारिश की कमी के कारण इस बार देश में धान की खेती का रकबा घटा है, जबकि दूसरी तरफ चावल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। भारत में अधिकांश लोग चावल खाना पसंद करते हैं। यह आधे से अधिक आबादी का प्रमुख भोजन भी है। इसके दाम बढ़ने के कारण परेशानी बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक चेन्नई में चावल 58 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि कोलकाता में 41 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में चावल के थोक भाव में 4% का इजाफा हुआ है। चावल की कीमत में पिछले साल की तुलना में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार 17 जुलाई 2022 को चावल खुदरा मूल्य 36.6 रुपए प्रति किलो और थोक मूल्य 3167.18 रुपए प्रति किलो था, जबकि इसके एक महीने बाद 17 अगस्त 2022 तक चावल का खुदरा मूल्य 37.94 रुपए प्रति किलो था और चावल का थोक भाव 3295.24 रुपए प्रति क्विंटल था। इसका मतलब ये है कि खुदरा मूल्य में 3.09% और थोक मूल्य में एक महीने में 4% की तेजी देखने को मिली है। 17 अगस्त 2021 को चावल का खुदरा मूल्य 35.61 रुपए प्रति किलो आंका गया है। वहीं धान की रोपाई की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2022 तक धान की बुआई 30.98 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की गई थी। पिछले साल इस अवधि के दौरान 35.36 मिलियन हेक्टेयर था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4.38 मिलियन हेक्टेयर पर धान नहीं बोया गया है, जो 12.40% कम है। देश में धान का कुल क्षेत्रफल लगभग 39.7 मिलियन हेक्टेयर है, यानी पिछले साल अगस्त के दूसरे सप्ताह तक 90% धान की बुआई हो चुकी थी, लेकिन इस साल करीब 70% ही बुआई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। में इजाफा देखने को मिल रहा है। खाने पीने की महंगी वस्तु चौतरफा महंगाई